अरे धोनी तेरे स्कूल में क्या चल रहा है आजकल? अरे पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़, तेरी मम्मी को चाय बनाने के लिए बोला था, चाय भी नहीं ला के दी, इतनी देर हो गई है। तो फिर मुझे क्या पता चाय कैसे बनती है, तो मैं आपके लिए बनाऊं। तो स्कूल में सीख लिया करना चाय का। तो मैं तो अपनी क्लास में तो सीखूंगी। अच्छा क्या बोला जा रहा है, चाय बनने में इतना टाइम तो लगता ही है ना, कोई नूडल्स तो है नहीं जो दो मिनट में बन जाए। अरे चाय तो तुम्हारे हाथ की, तो मुझे इतनी अच्छी लगती है। खाली चाय आपको मेरे हाथ की? खाली नहीं, भरी हुई चाय। हाँ हाँ, घर का लंच और डिनर तो सब बाहर से आप कर आते हो ना, वो तो अच्छा लगता नहीं है। अरे वो तो मजबूरी है ना, खाना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा मेरे हाथ का खाना खाना मजबूरी है? अरे नहीं वो मतलब, तो गलत मतलब मत लो ना। आपको जो खाना है जहाँ खाना है वहाँ खाओ, मैं तो चली जाऊंगी अपने माइक। अरे बात बात पे माइक माइक क्यों ले आती हो? और क्या करूँ फिर मैं? अरे रुको, अब मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। मुझे नहीं करना कोई मूड। अरे सुनो तो सही। मुझे नहीं सुननी। अरे सुन तो लो भगवान। नहीं सुननी। अरे सुन तो लो। अच्छा तुम सुनी लो, इसमें तुम्हें पता है पति और चाय की पत्ती में क्या समानता है? मुझे नहीं पता ना, मुझे बात नहीं पता। अरे बताओ तो सही ना। मुझे नहीं पता ना। अरे बता दो ना। मुझे पता ही नहीं है। मैं बताऊं? बताए बिना तो वैसे भी आ जाओगे। बता दो ना। दोनों की जिंदगी में ना जलना और उबलना ही लिखा है। अच्छा मतलब क्या है आपका, है और तू क्या दांत फाड़े जा रही है? बड़ी पापा की चमची बनी रहती है आजकल ना। तो भाई पापा की चमची, पापा की प्रिंसेस है ये। सब तीनों मिले हुए हो, मैं तो हूँ ही यहाँ पे बेकार एकदम ना। तीनों कौन, हम दो ही तो हैं। वो भी आ जाएगी महारानी, वो भी तो आपके साथ ही शामिल होगी। जा देख कर कौन है, बैल बज रही है। अरे मेरा उठने का मन नहीं है, तुम देखो वही तो खड़ी हो। मतलब घर के सारे काम भी मैं करूं, बाहर से राशन भी मैं लाऊं और अब गेट भी मैं ही खोलूं, मेरा ही काम है कि सारे काम करना। मम्मी गुस्सा हो गई, तू चली जा। अरे चली जा ना, तो डांट पड़वाएगी तू। क्या गुस्सा गुस्सा हो रही है, इतने देर से बैल बजे जा रही है ध्वनि। अरे यार तू तो कितनी बड़ी हो गई है ना, तो जल्दी जल्दी जा गेट खोल, गेट खोल जल्दी जाके। मेरा नहीं काम है पानी देना, खाना देना, गेट खोलना, रिश्तेदारों को प्रिंस तक छोड़ना। हाँ हाँ कौन कौन से, जल्दी से जा कर काम खींच लूंगा। हाँ हाँ सारा काम यही तो करती है, सारे रिश्तेदारों को यही तो छोड़कर आती है। अरे चुप हो जा भगवान, देख भी ले कौन है। अरे तो जिनी आई है। जिनी आ गई हमारी जिनी। अरे जिनी, जिनी, जिनी कहाँ जा रही है? जिनी, जिनी क्या हुआ? अरे यार घर में तो मेरी को सुनता ही नहीं है। मेरी कौन सी कोई सुन लेता है, देख लिया उसका बिहेवियर। और ध्वनि जरा भी यहाँ पर आ। ध्वनि जब तूने गेट खोला था तो दीदी के हाथों में क्या था? पापा मुझसे कुछ छुपा तो रही है लेकिन मुझसे बात नहीं कर रही। अरे कुछ तो चक्कर है, कुछ तो है, बिना बात करे चली गई और कुछ छुपा भी रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ना कुछ तो बिहेवियर में चेंज हुई है इसके, पता करना पड़ेगा। चलो मैं चाय पी के चलता हूँ। अच्छे से पता करना पड़ेगा, तुम दोनों शैतान खोपड़ियों के दिमाग में क्या क्या शैतानियाँ चलती रहती हैं। और फ्रेंड जब तक हम जा रहे हैं उसकी शैतान खोपड़ी देखने, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलो आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। क्या करूँ मैं, अगर मम्मी पापा को पता चल गया कि मैं सेकंड आई हूँ, मैं फर्स्ट नहीं आ पाई, तो मम्मी पापा तो मुझे बहुत डांटेंगे। और पापा मम्मी तो मुझे दिन रात बोलते थे कि कार्टून छोड़ दे और पढ़ने बैठ जा, मैं पढ़ती नहीं थी। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, काम करती हूँ अभी, इस टेस्ट पेपर को मैं तकिए के नीचे रख देती हूँ। बेटा जरा जिनी को बुला लाओ। पापा हर चीज़ अब तो मैं ही करती हूँ। तो छोटी भी तो है, तो काम तो करने पड़ेंगे ना। छोटी को सबसे ज्यादा काम करने होते हैं। अब देखो चार्जर लाने के लिए बोलते हो, मोबाइल लाने के लिए बोलते हो, लैपटॉप ऑन करने के लिए बोलते हो, सारी चीज़ आप मुझे बोलते हो। बेटा जब आप इतने मेरे प्रिंसेस हो ही, तो फिर मेरा एक और काम कर दो, जिनी दीदी को बुला लाओ ना। अरे मैंने तेरे को उसको बुला के लाने के लिए बोला था, चिल्ला तो मैं भी सकता था।
सूप पी ले बेटा, सूप पी ले, सूप पी ले बेटा। और क्या कर रही थी नीचे? नीचे बस कुछ नहीं, बैठी हुई थी। ये इसने सूप ला दो थोड़ा जल्दी से। अरे ला ही रही हूं, मैं क्या घोड़े पे सवार होकर घर की चलने का काम करती हूं? और मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हारे किचन में घोड़ा भी है। सब है मेरे पास, घोड़ा हाथी बैल सब है। अच्छा गधा है? नहीं है, गधा सामने ही बैठा हुआ है। सूप पी, सूप तो बढ़िया बनाया तुमने पहली बार। अच्छा पहली बार बढ़िया बनाया? अब पहली बार बनाया तो बोलते रहूंगा मैं। देखो मेरी बेइज्जती कर रहे हो, पहली बार बनाया सूप हद हो गई। पहली बार बढ़िया बनाया सूप तो तुम बनाती रहती हो। पी लो गरम गरम सूप, पीना चाहिए कम बोलना चाहिए। और जिन्नी तुझे क्या हुआ, तू कैसे इतनी घबराई घबराई सी लग रही है आज? घबराई मम्मी? आप तो ना मेरे पीछे झाक कर रहे हो, मतलब हर जगह, मतलब एक इंसान चुप बैठा है तो घबराई हुई हो गई। अरे सुन तो सही। अरे जिन्नी क्या हो गया है? तुम पे गई है बिल्कुल। मतलब एक डायलॉग बोल दिया तो इतना लंबा चौड़ा भाषण कह दो ना, तुम पे गई है, उबलती रहती है बिल्कुल। मेरी बात मानोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें, जमीदार में कुछ गड़बड़ है नीचे। बस मारने का मौका मिल गया, गड़बड़ है गड़बड़ है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, देख लो कुछ गड़बड़ घोटाला निकलेगा। और ये हाँ ये सेफ भी नहीं रहेगा, मम्मी पापा को थोड़ा थोड़ा शक हो गया है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? छुपना छुपना क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? देख रही हूँ वो क्या छुपा रही है हमसे। अरे ऐसे ना बच्चों के रूम में ना देखना सही नहीं है, तुम ना जैसे पड़ोसियों को करती हो ना वैसे करने लग गई हो। चुप हो ना, चुपो चुपो के देखने भी नहीं देख रहे हो। देख क्या रहे हो? अरे मुंह पे तोड़ा रख लो। अरे हुआ क्या है? चुप रहो ना। अरे मैं को देखता हूँ, मेरी भी तो बच्ची है, तुम भी देखो। देखने दो ना मेरे को। मम्मी पापा को शक हो गया है, मैं क्या करूं? ये टेस्ट पेपर अभी यहाँ पे सेफ नहीं है, इसका कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से आके टपक गए वहाँ पे, अच्छा वाला प्लान कर रखा था मैंने, यहाँ सारी पोल पट्टी खुल जाती। क्या मैं तो पानी जो मैं टपक गया, टपक ही गए वहाँ पे आकर मुझे और गिरा दिया नीचे गेट पे। वो तो बड़ा मजा आया, वो तो बड़ा मजा चिंता, दोबारा गिर के दिखा दूंगी एक बार। मौका ही ढूंढते हो मुझे गिराने का ना। अरे मैं क्या करूं, मजा ही इतना आता है तुम्हें गिराने में। इतना आता है कुछ नहीं करने दिया, अच्छा भला पता लग जाता उसका क्या। क्या पता चल जाता, क्या कर रही थी वो पता लग जाता। सूप तो पी रही थी वो, और क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं फालतू में पता नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं करती रहती हो। और तू हंसे जा रही, दांत फाड़े जा रही है। तुम तो ना रहने दो, अब जो प्लान करेंगे ना मैं करूंगा और मेरी प्रिंसेस करेगी। ओहो मेरे बिना सांस तो ली नहीं जाती इस घर में, बड़ा प्लान करने वाले। सांस लेके देखो, मैंने यहाँ पे अनुलोम विलोम नहीं करा रही बैठ के, सांस लो। खुद को आती हो तब तो कराऊंगी। हाँ हाँ मुझे करनी भी नहीं है, मैं देख लूंगी। चुप है, अनुलोम विलोम पे आ गए ना, प्लानिंग से अनुलोम विलोम पे मैं कर ही लूंगी जो मुझे करना होगा। अब देख ले रहा हूँ एक घंटे की हो गई है, बस एक घंटे की रह रही है तो देख कर खत्म कर। एक घंटा? अरे क्या देख रहे हो बच्चों, बहुत रात हो गई है सो जाओ। मम्मी बहुत इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे हैं। मम्मी बहुत भूतों के, मुझे तो बहुत डर। मम्मी का स्टोरी सुना दो ना आपकी। स्टोरी सुना दूँ मैं आपको? बैठ जाओ मैं यहाँ पे। हाँ। तो थोड़ा सा खिसक जाओ, मैं भी तो बैठ चली। तो चलो मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, ध्वनि और जीनी
पता है बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में ना दो बच्चे रहते थे, वो हमेशा झूठ बोलते थे अपने पेरेंट्स से, और उन्हें देख देख के पूरे गांव के बच्चे उन्हें देख देख के झूठ बोलना सीख गए। तब वहां पे ना एक पहाड़ों पे भगवान जी ने एक भूत को भेज दिया, और वो भूत पता है क्या करने लग गया, उन बच्चों को उठा के ले जाने लग गया और उनसे शादी करने लग गया। पता है उन्हें उठा के ले जाता था, रोज जो बच्चा झूठ बोलता था उसको उठा ले जाता था, उससे शादी कर लेता था, बहुत गलत करता था वो उनके साथ ना। मम्मी मैं नहीं रखती इन सब चीजों में विश्वास, और वैसे भी आप ही तो कहते हो कि भूत प्रेत होते ही नहीं है। बेटा मैं भी यही सोचती थी, लेकिन जब से मैंने हादसा सुना है ना तब से मेरे को विश्वास होने लग गया कि सच में भूत प्रेत होते ही होंगे। अरे मम्मी ये सब छोड़ो, चल तू कहती है तो छोड़ दिया, चल टीवी देख के सो जाओ चलो। अरे मम्मी मैं भी आपके पास ही सोने आ रही हूँ। तुम्हें साथ सोएगी? हाँ। चल आ जा मेरी प्रिंसेस। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? तुम्हें पास सो जा, चल आ जा मेरी प्रिंसेस। चल मैं तो अपने आप सो जाऊँ। चल बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या मम्मी जो कह रही थी वो सच था? और अगर वो सच है तो ऐसे तो फिर मेरी भी शादी भूत से हो जाएगी। नहीं नहीं जिन्नी ऐसा कुछ नहीं होगा, पर अगर हो गया तो मम्मी पापा भी नहीं बचा पाएंगे मुझे तो। हा हा हा, दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ तुझे ले जाने, तुझसे व्यवहार रचाने। शादी वाला भूत जो बोले अपने पेरेंट्स से झूठ, उसे ले जाए ये दूत। हा 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 हा, मैंने कोई झूठ फूट नहीं बोला, तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी कोई शादी। पापा डांटते नहीं है तो भले के लिए डांटते हैं। पापा मैंने सब तो ठीक है, पर भूत मैंने आपसे क्या बोला था बेटा, हमेशा अपना बेस्ट दो, मैंने कभी कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड आओ? नहीं कहा ना, फिर आपने झूठ क्यों बोला हमसे? अब जाओ भूत के साथ। नहीं मम्मी, बचा लो ना मम्मी। आप लोग बच रहे हो ना, मेरी जान निकल गया, बहुत बुरे हो। अरे वो भूत प्रेत कुछ नहीं है, वो तो हम ही नौटंकी कर रहे थे, बाहर से नॉक किया था भूत ने। मतलब सच सच बताओ क्या किया आप लोगों ने? ऐसे पूछ रही है लड़की जैसे हॉरर मूवी में लड़की पूछती है कि कौन है कौन है, और भूत बोलेगा मैगी लाया तेरे लिए, मैगी लाया तेरे लिए। ये प्लान फ्लॉप हो गया ना, बड़ी मुश्किल से प्लान बनाया, और अगर ये आपकी वजह से फ्लॉप हुआ फिर देखते ना छोड़ोगी? पकड़ो तो सही, तभी तो छोड़ोगी। डरेगी डरेगी वो, क्या उसका बाप भी डरेगा? दरवाजा खोलो,
और जो आपने हमारे साथ किया वो मजाक होता है क्या? बताओ आपने ये मजाक करा क्यों, ये बताओ मुझे आपने हमसे नंबर छुपाए क्यों, ये बताओ मुझे। सॉरी इट्स ओके, जैसी सॉरी वैसी इट्स ओके। अब आगे से झूठ मत बोलना बच्चा। आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। तब तक हम जाने सोने।